भारतीय राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ आ रहा है, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी और पूर्व भाजपा महासचिव संजय जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। दोनों नेताओं की सोच और राजनीतिक दृष्टिकोण मोदी की व्यक्तिगत केंद्रित राजनीति से अलग है और वे पार्टी में बदलाव की संभावनाओं पर नज़र गड़ाए हुए हैं। हाल ही में हरियाणा में बीजेपी की जीत को लेकर अंदरूनी बहस छिड़ी हुई है। गडकरी और जोशी जैसे नेताओं का मानना है कि हरियाणा जैसे छोटे राज्य में जीत भले ही मोदी और उनके समर्थकों के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जा रही हो, लेकिन ये जीत राष्ट्रीय राजनीति के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। हरियाणा एक छोटा राज्य है जहाँ जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय मुद्दे केंद्र में होते हैं। ऐसे में इस राज्य में बीजेपी की जीत से कोई बड़ा राष्ट्रीय संदेश नहीं निकलता। गडकरी इस जीत को एक छोटा कदम के रूप में देखते हैं और उनका मानना है कि मोदी के नेतृत्व में पार्टी को सिर्फ छोटे राज्यों की जीत से संतोष नहीं करना चाहिए। गडकरी की नज़र महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों पर है, जहाँ असली राजनीतिक संघर्ष होता है और जो राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय कर देते हैं। नितिन गडकरी भारतीय राजनीति में एक कद्दावर नेता हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। हालांकि कुछ समय से गडकरी और मोदी के बीच तनावपूर्ण संबंध की खबरें सामने आ रही हैं। गडकरी जो अपने विकासवादी दृष्टिकोण और सुशासन के लिए जाने जाते हैं, मोदी के व्यक्तिवादी और आक्रामक राजनीति से असहमत दिखते हैं। गडकरी का मानना है कि पार्टी को अब नेतृत्व परिवर्तन की ज़रूरत है। वे ये भी मानते हैं कि मोदी के दौर में बीजेपी का पूरा ध्यान व्यक्तिगत छवि और प्रचार पर केंद्रित हो गया है, जबकि पार्टी के मूल आदर्शों और सिद्धांतों की उपेक्षा हो रही है। इसी वजह से गडकरी हरियाणा की जीत को एक छोटा राजनीतिक कदम मानते हैं, जबकि वे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। संजय जोशी, जो कभी नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी थे, अब बीजेपी के लिए एक नए नेतृत्व के प्रतीक के रूप में उभर रहे हैं। जोशी की संगठनात्मक क्षमता और उनकी राजनीतिक समझ का संघ परिवार में बहुत सम्मान है। हालांकि मोदी के सत्ता में आने के बाद से जोशी को पार्टी से बाहर रखा गया, लेकिन संघ के अंदर उनके प्रति समर्थन बढ़ता जा रहा है। जोशी मोदी के बढ़ते प्रभाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें लगता है कि बीजेपी को मोदी के बाद एक नए नेतृत्व को खड़ा करना चाहिए। जोशी का मानना है कि हरियाणा की जीत केवल एक क्षेत्रीय सफलता है और ये राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकता है। उनका मानना है कि मोदी की आक्रामक राजनीति और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण पार्टी के भीतर असंतोष पैदा कर रहे हैं और आने वाले समय में इस असंतोष का फायदा विपक्षी दल उठा सकते हैं। जोशी का दृष्टिकोण यह है कि अगर पार्टी का राष्ट्रीय राजनीति में लंबी सफलता चाहिए तो संघ के मूल विचारों और सिद्धांतों पर लौटना होगा। भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का संबंध हमेशा से गहरा रहा है। हालांकि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का झुकाव संघ से कुछ हद तक अलग होता दिखा है, लेकिन संघ के वरिष्ठ नेताओं को अब मोदी के नेतृत्व के प्रति असंतोष होने लगा है, क्योंकि वे मानते हैं कि मोदी ने पार्टी को संघ के विचारों से दूर कर दिया है। संघ का मानना है कि मोदी का अत्यधिक प्रचार और केंद्रित राजनीतिक पार्टी के लिए दीर्घकालिक रूप से हानिकारक हो सकता है। संघ के कुछ और वरिष्ठ नेता मानते हैं कि मोदी का दौर अब समाप्त होने वाला है और पार्टी को एक नए नेतृत्व की ज़रूरत है। गडकरी और जोशी जैसे नेता इस विचारधारा के साथ हैं और वो बीजेपी को संघ के मूल सिद्धांतों पर वापस लाने की योजना बना रहे हैं। महाराष्ट्र, जो कभी भारतीय राजनीति में एक बड़ा केंद्र था, गडकरी के लिए राजनीतिक भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण राज्य है। गडकरी की जड़ें महाराष्ट्र में गहरी हैं और वो इस राज्य में अपने राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वे मानते हैं कि अगर उन्हें महाराष्ट्र में सफलता मिलती है तो वो बीजेपी के भीतर एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर सकते हैं।
गडकरी के लिए महाराष्ट्र में जीत हासिल करना न केवल मोदी के प्रभाव को चुनौती देने का एक तरीका होगा, बल्कि ये उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक नई भूमिका दिला सकता है। वे इस बात से अवगत हैं कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में जीत हासिल करने से राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका बढ़ेगी और उन्हें बीजेपी के भीतर अधिक समर्थन मिलेगा। हालांकि गडकरी और जोशी दोनों ही अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है, मोदी के बाद बीजेपी का नेतृत्व करना। दोनों ही नेता मानते हैं कि पार्टी में अब एक नए नेतृत्व चाहिए जो संघ के आदर्शों और सिद्धांतों के साथ साथ देश की राजनीतिक वास्तविकताओं को भी समझे। गडकरी और जोशी दोनों ही संघ के प्रति निष्ठावान हैं और वो मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में पार्टी का झुकाव व्यक्तिगत छवि पर अधिक हो गया है, जबकि संगठन और विचारधारा को पीछे छोड़ दिया गया है। दोनों ही नेता बीजेपी को संघ के मूल विचारों पर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वे इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व को लेकर हो रही आंतरिक चर्चाएं ये दर्शाती हैं कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। नितिन गडकरी और संजय जोशी जैसे वरिष्ठ नेता मोदी के नेतृत्व से नाखुश हैं और वो पार्टी में बदलाव की संभावना पर विचार कर रहे हैं। हरियाणा जैसे छोटी जीत को लेकर उनके असंतोष के पीछे एक बड़ी राजनीतिक योजना छिपी है, पार्टी को मोदी के बाद एक नया नेतृत्व प्रदान करना। गडकरी और जोशी का मानना है कि बीजेपी को दीर्घकालिक सफलता के लिए संघ के मूल सिद्धांतों पर वापस लौटना होगा और इसके लिए वे विपक्षी दलों के साथ गठजोड़ करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उनका मानना है कि अगर मोदी के नेतृत्व को चुनौती दी जाती है तो बीजेपी में एक नए और मजबूत नेतृत्व का उदय हो सकता है जो पार्टी को भविष्य में नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।